या बातमीचे प्रायोजक आहेत ममता रेडिमेंट सोलापूर. नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत सक्षम पोलीस सेवेवर भर देण्याचा प्रयत्न राहील. मागील 3-4 महिन्यांपासून सोलापूर ग्रामीण पोलीस दलात प्रशिक्षण कालावधीत अनेक गोष्टी शिकता आल्या. पोलीस अधिकारी कर्मचारी तसेच पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, अप्पर पोलीस अधीक्षक हिम्मत जाधव यांचे चांगले सहकार्य लाभले अशी माहिती प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक पोलीस अधीक्षक सत्यसाई कार्तिक यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. सत्यसाई कार्तिक यांनी 3 महिन्यापासून सोलापूर ग्रामीण पोलीस दलात प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम पाहिलं. 1,74,000 रुपयांचा गुटखा आणि 45 लाख किमतीचे 2 कंटेनर असा 1,45,00,000 रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. तसेच अवैध वाळू विक्री, अवैध गॅस विक्री, बेकायदेशीर तांदूळ वाहतूक, मद्यविक्री अशा विविध अवैध धंद्यावर कारवाई करून 99 जास्त व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 26,77,000 रुपये किमतीचं साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे. नानज येथील विजयराज ऑर्केस्ट्रा बारवर छापा टाकून 18 जणांविरुद्ध कारवाई करण्यात आल्याचंही श्री कार्तिक यांनी सांगितलं. जो माननीय एसपी मैम ने शुरू किया है सोलापुर रूरल में, जो बड़ा सक्सेसफुल इनिशिएटिव है, उसके अंडर हम लोगों ने हमारे पुलिस स्टेशन के अंडर मैम के एसपी मैम के गाइडेंस के अंडर हम लोगों ने कुलवंशी तांडा, मूलेगांव तांडा, भानुदास तांडा, पटजी तांडा, कुंडी तांडा, सीताराम तांडा और सेवालाल नगर, ये सब एरियाज में हम लोगों ने बहुत सारे रेड किए हैं. टोटल 1,04,030 liters जो रसायन है, इलीगल रसायन है, तो उसको हम लोगों ने नष्ट किए हैं. और टोटल 8,29,000 उतना पूरा रेड के दौरान हम लोगों ने इलिसिट एक्टिविटीज़ के ऊपर रेड किए और मुद्देमाल नष्ट किए. फिर उसके बाद गैम्बलिंग कार्रवाई के ऊपर, गैम्बलिंग के ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई किए हैं, उसमें ऑलमोस्ट 8,29,620 वर्थ प्रॉपर्टी हम लोग ने सीज किए. फिर बालू के ऊपर हम लोगों ने 8 कार्रवाई किए हैं, तो उसके ऑलमोस्ट 74,72,000 वर्थ मुद्देमाल हम लोग ने सीज किए हैं बालू के ऊपर, इलिसिट कार्रवाई की. नेक्स्ट अवैध गैस के ऊपर हम लोग ने जो कार्रवाई किए हैं, तो 5 केसेस किए हैं टोटल 3 महीने में, उसमें 5,96,830 वर्थ हम लोग ने सीज किए हैं. उसके अलावा हम लोग ने ईसी एक्ट के अंदर जो तांदुल इलीगल ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर हम लोग ने कार्रवाई किए हैं और मुद्देमाल 32,25,000 वर्थ मुद्देमाल हम लोग ने सीज किए हैं. फिर एक ऑर्केस्ट्रा बार के ऊपर कार्रवाई हुई है, विजयराज ऑर्केस्ट्रा बार नानज विलेज में, तो उसके ऊपर किए हैं कार्रवाई किए हैं और 18 लोगों के ऊपर हम लोगों ने केस रजिस्टर किए हैं. उसके अलावा जो इलिसिट लिकर सेल कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है. 12 एरियाज में हम लोग ने ऐसे कार्रवाई किए हैं और वर्थ मुद्देमाल 53,475 वर्थ मुद्देमाल हम लोग ने सीज किया. हुआ था वडाला में, दादा कोलिकर ये विक्टिम है, उनके मर्डर हुआ था वडाला में, तो उसमें हम लोग ने आरोपी को अरेस्ट किए हैं और तपास ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है. तो एक इन्वेस्टिगेशन मर्डर का मैंने खुद किया था इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट एक उलेगांव में, एक कासेगांव बीट में आता है, कासेगांव ओपी में, तो उसमें एक डेकोइटी का इंसिडेंट हुआ था, उसमें ऑलमोस्ट 1,06,000 वर्थ गोल्ड, फिर कैश और एक मोबाइल की चोरी हुई, और वो भी तलवार चाकू ये सब दिखा के चोरी हुई. तो उसमें 5 आरोपी थे, उसमें 3 आरोपी को हमने अरेस्ट किए हैं ऑलरेडी और एक आरोपी के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है. और उसमें जो मुद्देमाल जो गोल्ड चोरी हुई थी वो टोटल रिकवरी हुई थी, जो 2.1 ग्राम 1 तोला का गोल्ड चोरी हुई थी वो पूरा हम लोग ने रिकवर किया है. इसमें मेरे टीम ने डिटेक्शन ब्रांच और मेरे अधिकारी, पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी बहुत अच्छा काम किए और रिकवरी भी गोल्ड का पूरा हुआ है. के ऊपर भी एक बड़ी रेड हुई है, मेरे जब यहाँ पे प्रोबेशन के टाइम में, तो हमने और मैंने और मेरे टीम ने इसमें
ऑलमोस्ट 1,74,000 वर्थ गुड का हम लोग ने सीज किए हैं और उसका नष्ट भी किए हैं। और वो केस का इन्वेस्टिगेशन मेरे पास ही था और उसमें हम लोगों ने अभी तक 5 आरोपी को अरेस्ट किए हैं और बाकी का तपास अभी भी चालू है। नेक्स्ट, बाकी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।